हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू शेरोज़न फैमिली ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है दावत ब्लॉग, तो इसलिए हम लोगों ने नाश्ता बहुत सिंपल तरीके से कर लिया, लच्छा पराठा और ऑमलेट से, क्योंकि बहुत सारे डिशेस मुझे बनाने थे, बहुत सारे काम थे घर पे, इसलिए शॉर्टकट से हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। और यहाँ मैंने पुदीना और कच्चे आम का एक जूस बना रही थी, जो आमपना बोलते हैं। वैसे तो ये मार्केट में आपको बॉटल्स में मिल जाते हैं, लेकिन जो घर पे बना के पीने का मज़ा है वो बाहर के पीने में बहुत अंतर रहता है। इसलिए जब भी कच्चा आम मिलता है मैं एक दो रख देती हूँ, क्योंकि ये मुझे घर पे बना के पीने में ही मज़ा आता है, और मेरे घर के हस्बैंड को भी अच्छा लगता है और शेरोज़ को भी बहुत अच्छा लगता है ये पीने में। और ये शेरोज़ भी मुझे हेल्प कर रही थी सब कुछ बनाने में, ये बोल रही थी मैं हेल्प करूँगी, लेकिन कितना हेल्प करेगी वो तो आपको पता ही है, बच्चे आके सब कुछ बिगाड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बनाने लग गई। गुलाब जामुन मैं पहले इसको डो बना के ये रख दूँगी, फिर थोड़ा फूलने के बाद मैं इसका गुलाब जामुन बॉल्स बना के और फ्राई कर दूँगी। आप देखते रहिए वीडियो, अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे मेरा गुलाब जामुन का चाशनी भी रेडी हो रहा है, और ये मैंने बॉल्स बना दिए हैं। अब मैं उसको फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी पूरा ऑयल में, और आप देखते रहिए इसका कलर्स भी बहुत अच्छा आता है। फिर आपको ये चाशनी में डालने के बाद बहुत ही सॉफ्ट सा एक टेस्ट आता है, और बहुत सॉफ्ट होता भी है। और यहाँ पे मैं ऑनियंस और टमाटर सब कुछ काट के, और ये वेजिटेबल्स भी मैंने काट के रख दिया, रात को ही काट के रख दिया था क्योंकि सुबह को हड़बड़ी लग जाती है। और यहाँ पे मैं वेज पुलाव बनाने लग गई हूँ, और आप देखते रहिए वीडियो एंड तक बिना स्किप किए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे और बच्ची भी एक है साथ में, इसलिए सब काम प्लान मुताबिक उतना नहीं होता जितना प्लान करके रखती हूँ। इसलिए मैं कभी भी कोई मतलब कोई फंक्शन या फिर कोई दावत या फिर कुछ भी हो, मैं रात को ही कुछ काम मैं निपटा के रख देती हूँ। ये करने से क्या होता है, सुबह को मेरा उतना हड़बड़ी नहीं रहता कि ये काम रह गया ये वो काम रह गया। और अभी यहाँ मैं दाल फ्राई बना रही हूँ, जो कि सिंपल सा दाल फ्राई बना रही हूँ, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, और सब कुछ टाइम से पहले ही हो गया था एक एक करके। और यहाँ पे मैं कढ़ाई चिकन बनाने लग गई हूँ। कढ़ाई चिकन को मैंने बॉक्सेस में काट दिया है बॉक्स शेप में, और ये टमाटर भी मैंने पेस्ट करके रख दिया था, और ये सुबह को ही मैंने मैरिनेट करके रख दिया था मटन, ये मटन भी मैंने बिठा दिया है। अभी कढ़ाई चिकन मेरा बन भी गया है, इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था। और अभी मैं फ़िश फ्राई करने के लिए फ़िश को थोड़ा बीच में से थोड़ा चीर चीर के दे रही हूँ, क्योंकि मसाला अंदर घुस जाए। और इसका मैं हेड कट नहीं किया, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद इसका जो सर होता है बहुत क्रंची रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये एक समुंदर का ही है फ़िश, उसका नाम भी मुझे नहीं पता क्या फ़िश है ये। अभी मेरा सब कुछ रेडी हो गया और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए। ये चेन्नई का मेरा लास्ट ब्लॉग है, और लास्ट ब्लॉग के लास्ट दावत भी है, इनके मेरे फ्रेंड्स के साथ लास्ट मीटिंग था ये। और ये देखिए गुलाब जामुन कितना फ्लफी लग रहा है, क्योंकि फ्राई करने के बाद और चाशनी में डालने के बाद अलग से फूल गया है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और टेस्टी भी बहुत लग रहा था। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, एक छोटा सा ब्लॉग था ये, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।